हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ कुमुद। मम्मी की रसोई बाई कुमुद में स्वागत है आपका। होली पे बहुत अलग अलग तरह के पकवान बनाने का ट्रेडिशन है, कहीं पे गुजिया तो कहीं मालपुआ। तो चलिए आज हम लोग बनाते हैं बीट रूट मालपुआ। मालपुआ भी कई तरह से बनाए जाते हैं, जैसे कहीं कहीं बनाना ऑरेंज ऑरेंज मालपुआ। मेरे चैनल पे आप जाकर देख सकते हैं, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो चलिए आज बनाते हैं बीट रूट मालपुआ। तो मेरी ऐसी और भी रेसिपी देखने के लिए प्लीज़ फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी का निशान है उसे टच कर लें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मैंने लिया है बीट रूट, जिसे कि मैंने इस तरह पीसेस में काटा है, गोल गोल पीसेस में मैंने काट लिया है। इसके सबसे पहले मैंने छिलके उतार दिए हैं और छिलका उतार कर इस तरह गोल गोल पीस मैंने काट लिया है। और मैंने एक बर्तन में पानी लिया है और पानी ले करके इसे इस तरह ऊपर रख करके और 8 मिनट के लिए मैंने इसे स्टीम कर लिया है, जिससे कि ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। तो अब हम इसे एक ग्राइंडिंग जार लेंगे और ग्राइंडिंग जार में लेकर के और इसे पीस लेते हैं। हमें इसका एक पेस्ट तैयार करना है, इसके लिए मैं इसमें डाल लेती हूँ 2 चम्मच पानी और इसे मैं एक बार पहले पीस लेती हूँ। और अब मैं इसे छान लूँगी ताकि इसके जो मोटे टुकड़े हों वो निकल जाए। तो इस तरह मैं इन्हें पहले छान लेती हूँ, इनमें जो मोटे टुकड़े हैं इसे मैंने निकाल लिया है। तो अब मैं इसमें डाल लूँगी आटा, तो हाफ कटोरी मैं आटा ले रही हूँ। और एक बार अब हम इन्हें पहले मिक्स करेंगे। इसमें डाल लेती हूँ मैं 2 से 3 चम्मच पीसी हुई चीनी। आप चाहें तो, आपके पास अगर पिसी हुई चीनी नहीं है तो आप दानेदार वाले भी डाल सकते हैं। तो क्योंकि बीट रूट ऑलरेडी मीठा होता है तो चीनी आप थोड़ा हिसाब से ही डालिए। और मैंने ले लिया है 1 चम्मच इलायची पाउडर छोटे वाले चम्मच से, और मैंने लिया है 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर, सोडा नहीं बेकिंग पाउडर। और इन्हें हम एक बार मिक्स कर लेते हैं। तो हमें इस तरह इसका गाढ़ा ही बैटर बनाना है। मालपुआ बनाते समय आपको अपने तेल को ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बिल्कुल बहुत ही एकदम धीमे इसको इसका टेम्परेचर रखना है। पहले भी आपको डालते समय भी इसका टेम्परेचर कम होना चाहिए और गर्म भी आपको बहुत ज़्यादा अपने ऑयल को नहीं करना है। तो अब हम डाल लेते हैं, छोटे छोटे आप इस तरह 2-3 डाल सकते हैं एक साथ अगर आपका फैला हुआ कोई बर्तन है तो। मैंने अपने इस मालपुए को गेहूं के आटे से बनाया है, आप चाहें तो इसे मैदे से बना सकते हैं। और अब हम इसे एक तरफ से पहले अच्छी तरह हो जाने देते हैं। तो अब ये देख सकते हैं शेप में आ चुका है। तो अब हम इन्हें बिल्कुल आराम से पलट लेते हैं। तो इस तरह आप अपने सभी मालपुए को पलट लीजिए और पलट करके दूसरी तरफ से भी हम इन्हें अच्छी तरह हो जाने देते हैं। तो हमारा मालपुआ तो देखिए एकदम गुब्बारे की तरह फूल गया है। तो अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। अब मैंने लिया है शहद और शहद को मैंने इस तरह थोड़ा सा प्लेट पे निकाल लिया है, आप देख सकते हैं। मैंने कोशिश की है अपने मालपुए को हेल्दी बनाने की, क्योंकि मैं इसमें चाशनी वगैरह नहीं लगा रही हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने मालपुए को एक तरफ से इस तरह हम शहद में कोट करेंगे और कोट करके अपने प्लेट में लगाते जाएंगे। और इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा सौंफ इस तरह, और थोड़ा सा मैंने ड्राई फ्रूट लिया है जिसमें मैंने लिया है पिस्ता और बादाम। तो इस तरह आप पिस्ता और बादाम से गार्निश कर दीजिए थोड़ा अपने मालपुए को। तो इस होली ये कलरफुल मालपुआ बना करके अपने गेस्ट और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर खिलाइए। पसंद आई हो रेसिपी आपको तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।